हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नॉट 40X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका मोबाइल फोन ओवरहीट होता है तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का फाइल का ऐप ओपन करना है। इस फाइल के ऐप को ओपन करके नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा है, इसे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो ये एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको ये स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे क्लियर कैच पे टैप करना है तो आपका कैच के सामने डेटा ये जीरो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप अपने फोन की ब्राइटनेस को फुल रखेंगे तो इससे हमारा फोन धीरे धीरे ओवरहीट होता है, तो ब्राइटनेस को फुल नहीं रखना है, ब्राइटनेस को उतना ही रखना है जितनी जरूरत लगती है। ठीक है, अब देखिए एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि अगर आप अपने मोबाइल फोन को एक घंटे दो घंटे या इससे ज्यादा देर तक कंटिन्यू आप यूज करते हैं और इसके तुरंत बाद अगर आप मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगाएंगे तो इससे आपका फोन ओवरहीट होगा। ऐसा नहीं करना है, मोबाइल फोन को थोड़ा सा रेस्ट देना है, उसके बाद चार्जिंग पे लगाना है। ठीक है, एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि आप जब भी अपने फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो आपके फोन का जो मोबाइल फोन का पीछे वाला कवर केस हटा के लगाना है। ठीक है, और देखिए एक बात ये भी ध्यान रखनी है, गर्मियों के सीजन में हमारा फोन रखे रखे अपने आप गर्म होता है, क्योंकि गर्मियों के सीजन में एनवायरमेंट गर्म होता है, इस वजह से मोबाइल फोन अपने आप ही रखे रखे गर्म होता है बिना यूज करे। तो गर्मियों के सीजन में फोन को ऐसी जगह पे रखना है जहां पे थोड़ी बहुत ठंडक हो। ठीक है, और देखिए सूरज की रोशनी यानी सनलाइट से भी बचा के रखना है फोन को। ठीक है, अब देखिए आखिरी काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें आपको नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है, यहां पर रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे ना तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना।